इसके रुपए पे भी बात आ रही है तो मैं एक बात और कह दूं, जब केंद्र सरकार अभी तक हाँ 1.5 करोड़ टीके महाराष्ट्र को दे चुकी है और अगर 4.5 करोड़ और चाहिए होंगे आधे जो प्रदेश सरकार को देने हैं, तो उसकी करीब करीब कीमत जो प्रदेश सरकार को देनी पड़ेगी वो 1800 करोड़ है या 400 रुपए की, मैं कीमत की बात कर रहा हूं अगर ये होती है। क्या 1800 करोड़ रुपए जैसे उत्तर प्रदेश असम ने सर, कहा है ये या कहा मध्य जा रहा है कि प्रदेश ने कहा उपलब्धता है ही नहीं है। महाराष्ट्र गौरव में दे भाटिया सकते? जी, कांग्रेस शासित राज्य कह रहे हैं उपलब्धता नहीं है। आपने उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, 23 करोड़ की बड़ी आबादी का आपने जिक्र किया और आपने गिनाया कितना कितने लोगों को वैक्सीन लग चुका है और 1 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से ऑर्डर दिया गया है। इतनी बड़ी तादाद में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि आईसीएमआर ये कहता है कि दरअसल अभी जो मौजूदा स्थिति है, जिन लोगों को टीका लग गया है वो उनको काफी ज्यादा फायदा कर रहा है और अगर वो कोरोना से संक्रमित हो भी गए तो भी उनको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि वो ठीक हो जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति है, ठीक है, मैं एक बार सुप्रिया का रिएक्शन ले लूं और इन सब के बीच हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अजय कौल जो कि चेयरमैन है बीएलके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही यथार्थ त्यागी निदेशक है यथार्थ ग्रुप ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शशांक जोशी सदस्य कोविड टास्क फोर्स के महाराष्ट्र के हमारे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ चर्चा में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत, अभी तो 1 तारीख से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है, पहले से ही हाथ खड़े कर देना ये क्या दर्शाता है कि चूंकि केंद्र सरकार पूरे वैक्सीनेशन की पद्धति को लीड कर रही है, इस वजह से कांग्रेस शासित राज्य क्या उनको सहयोग नहीं करेंगे, क्या इस मामले में भी राजनीति ढूंढी जा रही है? सुप्रिया, मैं आपका सवाल थोड़ा मेरा ऑडियो तो ठीक कराइए, उसमें टॉकबैक है। मैं आपका सवाल इसलिए समझ नहीं पा रही हूँ क्योंकि कांग्रेस शासित प्रदेशों की ही बात नहीं है, इस देश में वैक्सीन की जबरदस्त किल्लत है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद बहस हो जाए। पिछले 15 दिनों में हमारा पूरा टीकाकरण जो था वो 45% गिर गया, 45% पूरे देश में, जिसमें भाजपा शासित भी है, कांग्रेस शासित भी है, गैर कांग्रेस गैर भाजपा भी है, 45% की गिरावट आ गई क्योंकि वैक्सीन नहीं है, सेंटर्स बंद हो रहे हैं। आपके जानने वालों को दिल्ली एनसीआर में ही पूछ लीजिए, लगातार कैंसिल हो रहे हैं अपॉइंटमेंट्स क्योंकि वैक्सीन नहीं आ रही है। कल रात से कोविन के लिए खुल गई थी विंडो कि 45 साल से नीचे कोविन पे रजिस्टर करा सकते हैं, पूरी रात लग गई, लोग रजिस्टर नहीं करा पाए, 6-6 7-7 बार ट्राई करने में अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो भी जा रहा है, अगर आप विजुअल्स हटाकर मुझे दिखाइएगा तो मैं आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ चित्रा जी। ये तस्वीर जो है ये दिखाती है, अगर आपको दिख रहा हो, 1 मई से नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी नो अवेलेबिलिटी अक्रॉस 45 ईयर्स से कम में। अच्छा, इसमें तो खैर 45 ईयर्स की अवेलेबिलिटी भी नहीं आ रही है। और अब मैं आपको एक और आंकड़ा बता देती हूँ। आंकड़ा ऐसा है कि जब राजस्थान ने प्लेस किया ऑर्डर सीरम इंस्टीट्यूट के पास, या पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने 30 लाख वैक्सीन का ऑर्डर लगाया प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ ने सीरम के पास, तो उन्होंने कहा हम 15 मई तक केंद्र के लिए ही वैक्सीन बना रहे हैं, हम राज्यों के लिए वैक्सीन नहीं बना सकते। तो 15 मई तक आपका एक मैन्युफैक्चरर राज्यों के लिए वैक्सीन नहीं बना पाएगा। तो जब वैक्सीन मिलेगी ही नहीं राज्यों को, तो वह 45 वर्ष से कम उम्र वालों को कैसे देंगे, ये मैं पहली बात पूछना चाहती हूँ। मैं दूसरी बात पूछना चाहती हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है, ये किस बिना पे कहा जा रहा है? एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, उनको काफी टाइम दिया। उत्तर प्रदेश में कोई कमी नहीं है ये कैसे कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री आके कहते हैं हमारे यहाँ प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, अस्पताल बेड सब है। मुझे लगता है आपका चैनल झूठ दिखा रहा है, जो लोगों को दर बदर होते हुए सड़कों पर मरते हुए दिखा रहा है, कोई तो एक झूठ बोल रहा है, या तो मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या आज तक झूठ बोल रहा है। खैर, तो अगर उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेशन लगा है, तो उत्तर प्रदेश ने कितना वैक्सीनेशन का ऑर्डर प्लेस किया है और उनको कितना आश्वस्त हुए? क्या उत्तर प्रदेश को सीरम ने बोला है कि वैक्सीन मिलेगा? और आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, वो क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स मौजूद है, उनसे भी ये सवाल जरूर पूछिएगा। आज पता चला है कि भारत बायोटेक को IPR जो था वो ICMR और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। तो अगर उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और 3 PSUs ने उनको सपोर्ट किया वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में, 65 करोड़ की ग्रांट गई थी R&D में, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी हो गई। फिर क्यों नहीं लाइसेंसिंग रेजिम खोल दी जाती है, क्यों नहीं और मैन्युफैक्चर
लेक्चरर्स को लाया जाता है कि सबको वैक्सीन लगे। गौरव भाटिया से इसका मैं जवाब लूंगी, लेकिन जल्दी जल्दी एक बार मैं अपने डॉक्टर्स के पास जाना चाहूंगी क्योंकि बहुत जरूरी है, मामला गंभीर है। शुक्रिया, जल्दी से डॉक्टर शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रा जी, एक बात मैं कहना चाहती हूँ, आपने एक बात बिल्कुल सही कही कि कोरोना से सिर्फ चार तरह से लगा जाता है, टेस्ट, ट्रीटमेंट, ट्रैक एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पूरी तरह से ध्वस्त है इस देश में, तो उसका असलियत क्या है ये तो पता चलनी चाहिए ना। ये कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं है, ये दिखाता है विफलता ऑन स्ट्रैटेजी। कोई स्ट्रैटेजी नहीं है वैक्सीनेशन की, खोल दो, वैक्सीन तो है ही नहीं।